हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बोह पेंटिंग की सीरीज़ में यह हमारा पार्ट 3 है। इस सीरीज़ में मैंने कैमल के एक्रेलिक कलर्स यूज़ करे हैं और ये शीट 300 GSM की है, जो कि मेनली एक्रेलिक कलर्स के लिए यूज़ होती है। ये एक बहुत ही बेसिक बोह पेंटिंग है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ इट केम आउट। ब्लू कलर कंप्लीट करके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था अपनी पेंटिंग पे, और इसे मैं पिंक कलर का शेड दूंगी। इन सारे कलर्स के नाम आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। पिंक के साथ थोड़ा सा वाइट कलर का शेड दिया है ताकि ये लाइट हो जाए। एक्रेलिक कलर्स को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक पेंट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करिए। फिर मैंने बचे हुए कलर्स से डिज़ाइन दिया है शीट में एक्स्ट्रा। इसी कलर में आप थोड़ा सा ब्लू कलर और थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करेंगे तो ये पर्पल कलर बन जाएगा। और बाउंड्री में मैंने पर्पल कलर का भी यूज़ किया है। इस बोह पेंटिंग को मैं मेनली पेस्टल कलर्स के जैसा शो कर रही हूँ। पर्पल कलर कंप्लीट होने के बाद हम ग्रीन का शेड भी इसमें दे देंगे। ग्रीन भी मैंने एज इट इज़ यूज़ किया है वाइट कलर ऐड करके। और इन सारे कलर्स के नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप इन्हें अच्छे से यूज़ करें। इन कलर्स को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस ड्राइंग में मैंने दो कैट और एक फ्लावर पॉट बनाया था, और इसी को अब मैं ब्लैक की शेडिंग से कंप्लीट करूँगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। इस पूरी सीरीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी पेपर से 3 फ्रेम्स तैयार किए थे, और उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। सो फाइनली आपके कलर सूखने के बाद आप इस पर वर्निश अप्लाई करें, उसे सूखने दें, और आपका वो पेंटिंग रेडी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, सी यू सून।